सेकेंड वीडियो जो था हमारा, उसमें हम लोगों ने सुपर स्क्रिप्ट तक देखा था कि 2^4 अगर हमें लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। सो 2^4 अगर हमें अपने वेबसाइट के ऊपर लिखना है तो हम लोग नोटपैड पे कोड क्या डालेंगे, 2 SUP ब्रैकेट के अंदर SUP आएगा जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको, बाद में 4, फिर SUP को क्लोज करना है और कोड खत्म। बट नेक्स्ट लाइन जो हम लोग लिखेंगे वो कोड नेक्स्ट लाइन में ही दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग BR डालते हैं। BR का मतलब होता है ब्रेक। और सेम हम लोगों ने इसका आउटपुट विंडो के ऊपर चेक कर लिया है कि 2^4 आता है। इन सेम वे सबस्क्रिप्ट भी जो होता है वो H2O आता है। सबस्क्रिप्ट कहाँ से आया, तो हम लोगों ने पिछले वाले कोड में जो पिछले इससे पी वाली जो लाइन दिख रही है आपको नोटपैड में लिखी हुई, इस कोड से हमें H2O मिलेगा, इस वे से लिखा हुआ। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो ऐसा रहे इस टाइप से है कि अगर मुझे से कुछ लिखना है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये रफ शीट है हमारा। तो अगर मैंने ऐसा लिखा कि i=1 to 10 एंड ऐसा लिखना है फॉर i=1 to 10 प्रिंट i एंड देन नेक्स्ट आई। बट ये वेबसाइट पे कैसा दिखना चाहिए, तो वेबसाइट पे ये ऐसा दिखना चाहिए। तो मतलब जिस हिसाब से मैं ऐसा करके एज इट इज ये प्रिंट होना चाहिए, ये लाइन तीनों लाइन, तो उसके लिए कोड क्या है। तो ये हमारा रफ शीट था। अभी मैं जो कोड वाला पेज है वो हमारा नोटपैड का ये पेज है जिसपे जिसको कि हम लोगों ने सेकेंड पेज से सेव किया हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो प्री करके एक कोड आता है, प्री करके लिखेंगे हम लोग, बाद में नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देंगे जो हमें वहां पे वेबसाइट के ऊपर लाइन प्रिंट करनी है, और जिस वे से प्रिंट करनी है वो एज इट इज प्रिंट होगा वहां पे। बाद में उसको प्री को क्लोज करना है। तो प्री को कैसे क्लोज करेंगे, अगेन जैसे ओपन किया था वैसे ही क्लोज करेंगे। अभी अगर मैं इसको सेव कर लेता हूं तो ये जो लाइन है हमारा जो प्री के अंदर लिखा है हम लोगों ने वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, फॉर i=1 to 10 प्रिंट i नेक्स्ट i। अगर सपोज मैंने प्रिंट को यहां पे लिखा एंड नेक्स्ट को थोड़ा आगे किया, अभी चेक करते हैं कि कुछ चेंजेस आते हैं क्या आउटपुट में। तो अगर मेरे को जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ सेव कर लेंगे यहाँ पे, बाद में मैं यहाँ पे इसको रिलोड करूंगा। तो आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे है जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था नोट पैड में कोड, वैसा का वैसा ही यहाँ पे वो उसी पोजीशन पे प्रिंट हुआ है। जिस पोजीशन पे हमें चाहिए वैसा का वैसा ही प्रिंट करना है, तो हमें प्री करके कोड है उसके थ्रू हम लोग उसको कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कोड जो है वो क्या है कि बहुत जगह आप लोगों ने उसको देखा हुआ है उस चीज को, वो है क्या। तो अमेजोन में आप देखते हो कि आज जो कोई सामान का रेट चल रहा है वो सपोज 1500 रुपीज है, और वो 2 दिन बाद 1200 हो जाता है। तो वहां पे वो 1200 को रिप्लेस नहीं करते, वो क्या करते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट या कोई भी है, वो वहां पे 1500 को कट करते हैं। 1500 को कट करने के बाद उसके साइड में ही 1200 ऐसा लिखते हैं। तो वैसी चीज अगर हमें यहाँ पे करनी है वेबसाइट के ऊपर अगर करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो कोड है वो है इस वजह से करना है हमें। पी क्यों डाल रहा हूं मैं, क्योंकि वो पैराग्राफ में आना चाहिए। यहां पे मैं ब्रेक दे देता हूं, मैं बाद में पी डाला। अगर पी नहीं डालते हैं तो क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी करना क्या है हमें, तो ADROZEN दर्जन इज, बाद में डिलीट TWENTY 20, बाद में DEL डिलीट को क्लोज किया। तो ये क्या करेगा, 20 है उसको डिलीट कर देगा, जो 20 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको क्लोज कर देगा। एंड उसके बाद जो हमें चाहिए जैसे कि INS चाहिए तो INS आ जाएगा, बाद में TWELV 12 आ गया,
और फिर INS को क्लोज. व्हाट इज INS? INS मींस इंक्लूड करना है उसको, इंक्लूजन, आई डोंट नो, इंक्लूजन. ठीक है, उसके बाद ये हो गया. और फिर कुछ अगर हमें प्रिंट करना है तो पीसेस सपोज प्रिंट करना है, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, तो पहले जो वहां पे रेट चल रहा था वो क्या था, ये दर्जन इज 20. बाद में मैंने क्या किया, उसको डिलीट किया इसके थ्रू, तो डिलीट हो जाएगा. बाद में इंक्लूड क्या करना है उस 20 की जगह पे, तो इंक्लूड करना है 12. और वो है क्या, ये दर्जन इज 12 पीसेस, मतलब 12 पीसेस का एक दर्जन जो होगा वो रहेगा वहां पे. तो ये हमें प्रिंट करना है. हम लोग आउटपुट चेक करते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या एग्जैक्टली है. यहाँ पे देखो ये दर्जन इज 20 को कट किया है एंड 12 वहां पे आ गया, वहां पे लिखा हुआ. तो इस वजह से हम लोग उसको वहां पे शो कर सकते हैं. 12 के बाद यहाँ पे ये दिख रहा है, उसको हम लोगों ने हटा दिया, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया था वहां पे. अभी देखो ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे गैप नहीं दिख रहे, तो अगर मुझे वो गैप चाहिए, यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए जो कमांड है, कोड है, वो क्या है, तो वो आता है एंड नॉन ब्रेकेबल स्पेस, एंड नॉन ब्रेकेबल स्पेस. फिर से एंड नॉन ब्रेकेबल स्पेस, ब्रेकेबल स्पेस. अभी देखो अगर मैंने वैसा किया तो उसमें ब्रेक आ गया है. यहां पे भी मेरे को पीसेस में भी अगर ब्रेक चाहिए, स्पेस चाहिए, उससे पहले तो मैं तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, पीसेस से पहले ब्रेक आ गया. तो ब्रेक मतलब स्पेस देने के लिए मुझे एंड NBSP ऐसा लिखना पड़ता है, और जितना ज्यादा स्पेस चाहिए उतनी बार हम लोग इसको लिख सकते हैं. ठीक है, सो इन दिस वे अगर कोई भी चीज को डिलीट करनी है एंड बाद में उसकी जगह पर दूसरा कुछ लिखना है, तो हम लोग डिलीट करके उसको डिलीट कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, और बाद में उसकी जगह पर दूसरा कुछ इंक्लूड करना है साइड में, तो INS से हम लोग उसको इंक्लूड कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द सेकेंड असाइनमेंट. नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सेव ऑल दिस थिंग. After that, I have closed it. अब मैं क्या करूंगा, जितना भी कुछ किया था सबको मैंने क्लोज कर दिया है. अगर मैं अभी जहां पे मैंने सेव किया था, जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वैसे जिनको मालूम है उनको समझ में आ जाएगा, बट जिनको नहीं मालूम है, अगर मैं वो फोल्डर ओपन करता हूँ तो उसमें मेरा सेकेंड पेज है, बट उस सेकेंड पेज से रिलेटेड जो नोट पैड का पेज है वो नहीं है इसके अंदर. तो नोट पैड का पेज हमें कहाँ से मिलता है, तो क्या करना है, जब भी आपको वापस से कोड लिखना है उसके अंदर, तो क्या करो आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद वहां पे ओपन विथ में जाके नोट पैड ओपन करना है. तो सेकेंड पेज से रिलेटेड जो नोट पैड का कोड है, जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं, वो ओपन हो जाएगा. बाद में क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो जिसपे की आइकन है गूगल क्रोम का, तो वो ओपन हो जाएगा. तो जो भी आप कोड लिखते जाओगे वहां पे आप उसको रिलोड करते जाओ और वहां पे वो अपलोड होता जाएगा. सेकेंड पेज अलग से सेव नहीं होता है. आप चाहो तो सेव करके रख सकते हो, बट वहां पे अगर आप चेंज करोगे सेव एज में, तो शायद से यहाँ पे वो नहीं दिखेगा वो. तो इट्स बेटर कि डोंट सेव इट, यू कैन सेव इट फॉर योर रिकॉर्ड, बट यहीं से ओपन करो, ओपन विथ करके, तो बाद में आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे यहाँ पे रिलोड करते जाओ और वो आपको इस वेब पेज के ऊपर दिखता जाएगा. सो यहाँ पे हमारा सेकेंड असाइनमेंट का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है. आई होप आपको समझ में आएगा अगर आप खुद से एक बार वापस से इम्प्लीमेंट करोगे तो. थैंक यू.